हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मेरी रेसिपी में है चिली चीज़ गार्लिक मैगी। तो चिली चीज़ गार्लिक मैगी बहुत लंबा नाम है। तो यहाँ पे देखिए एकदम टेस्टी टेस्टी दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बनाना। तो मैंने यहाँ पे 2 पैकेट मैगी का ले लिया है और यहाँ पे देखिए गार्लिक मैंने यहाँ पे छिल के रखा हुआ है। तो 4 गार्लिक मैंने यहाँ पे लिया है बड़े साइज़ का। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मैगी को बॉईल कर लेंगे। तो 2 ग्लास मैंने पानी यहाँ पे ऐड कर दिया है, 1 चम्मच ऑयल और 1/2 चम्मच सॉल्ट मैंने ऐड करके इसे 5 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है। तो मैंने इंडक्शन में बॉईल किया है, आप लोग गैस में भी बॉईल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे मैं सारा जो भी वेजीज़ है, यहाँ पे ऑनियन टमाटर मैंने हटा दिया था, तो मैंने यहाँ पे टोमेटो सॉस यूज़ किया था, तो मैंने टोमेटो हटा दिया था यहाँ से। तो यहाँ पर मैंने चिली गार्लिक और ऑनियन मैं वहाँ पर कट कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारा बॉयल हो गया था, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट में ही बॉयल हो गया था। तो मैंने यहाँ पर ठंडे पानी से वॉश करके उसे स्ट्रेन होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने रखने के बाद फिर यहाँ पे मैंने सारा चॉप कर लिया है, चिली गार्लिक और ऑनियन। मैंने एक ऑनियन मीडियम साइज़ का एक ऑनियन मैंने लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे अच्छे से मैंने चॉप करके रख लिया है। तो यहाँ पे मैंने पैन गरम कर लिया है, 1 चम्मच बटर और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। बटर ना जले इसलिए मैंने थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया है। तो ऑयल थोड़ा सा यूज़ करें, नहीं तो बटर पूरा जल जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाए वैसे ही हम लोग यहाँ पे चिली और गार्लिक यहाँ पे ऐड करके थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए हम लोग इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो गार्लिक का जो कलर है ना वो चेंज हो गया है, देखिए। तो यहाँ पे हम लोग ऑनियन ऐड कर देंगे। ऑनियन ऐड करने के बाद इसे हम लोग 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही कलर चेंज हो जाए, देखिए यहाँ पे फ्राई हो गया, कलर चेंज हो गया है। कलर चेंज होते साथ ही यहाँ पे हम लोग मैगी मसाला ऐड कर देंगे। तो मैंने 2 लिया था, तो 2 पैकेट मैगी मसाला यहाँ पे इसे थोड़ा सा हम लोग मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बाकी जो मैं है मेरा रेड चिली सॉस और डार्क सोया सॉस और टमाटो सॉस, ये मैंने तीनों ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे डार्क सोया सॉस जो है वो मैंने थोड़ा सा लिया है, 1/2 चम्मच से भी थोड़ा कम लिया है। और यहाँ पे चिली सॉस मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है, 1/2 चम्मच लिया है, क्योंकि ये चिली चीज़ गार्लिक मैगी है तो फिर थोड़ा सा चिली होना चाहिए। यहाँ पे टमाटो सॉस मैंने 1 चम्मच ऐड कर दिया, इसलिए मैंने वहाँ पे टमाटो हटा दिया था। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, 1 मिनट के लिए मैंने मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा बॉइल्ड जो मैगी है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे से हाथों से इस तरीके से अलग कर लिया, थोड़ा सा फैला लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 2 फोक हम लोग ले लेंगे हाथ में और 2 चम्मच से इस तरीके से फोक से हम लोग इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से हम लोगों को कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए इसे मिक्स करना ही है, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे स्टिकी हो जाता है, तो हम लोगों को थोड़ा सा मेहनत यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अच्छा चीज़ खाना है तो थोड़ा सा मेहनत तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, देखिए इस तरीके से। और मेरा थोड़ा सा गैस के साइड साइड पे थोड़ा ख़राब हो गया, तो वो थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करिएगा, मैं बाद में उसे मैंने इसे क्लियर कर दिया। यहाँ पे मैंने एक क्यूब मैंने चीज़ ऐड कर दिया है ऊपर से ग्रेट करके, और यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दिया है। तो हमारा बिल्कुल भी रेडी है चिली गार्लिक चीज़ मैगी। तो मुझे भी बोलने में थोड़ा सा अलग लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए अनु को यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो अनु थोड़ा सा मुझसे गुस्सा थी, मैं उसे पढ़ा रही थी तो उसे नहीं पढ़ना था, तो बहुत गुस्सा हो गई थी मेरे से। मैं उसे बहुत डांट रही थी, तो मैंने थोड़ा सा उसे लाड प्यार करके ऊपर बिठा करके फिर मैंने उसे पहला बाइट खिला दिया वहीं पर बैठा के। तो यहाँ पे हमारा रेडी है, तो मैं यहाँ पे सर्व कर ले रही हूँ। तो हस्बैंड भी जस्ट उसी टाइम आए थे, तो बोलते हैं खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है, जल्दी से सर्व कर दो, मैं बाद में फ्रेश अप हो जाऊँगा। तो बस उन्होंने थोड़ा सा हाथ पैर धोया और बोलते हैं चलिए मुझे सर्व कर दो करके। तो मैंने उनके लिए ही बनाया है, थोड़ा तीखा तीखा, उनको स्पाइसी चाहिए था क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको सर्दी कोल्ड वगैरह हो गया, तो उनको थोड़ा सा स्पाइसी खाना था, तो मैंने इसलिए उनके लिए बनाया है। तो यहाँ पे एकदम टेस्टी टेस्टी सा बन करके हमारा ये रेडी है रेसिपी, आप लोग भी ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर से करिएगा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।